इसी तरह एक और सवाल पैदा होता है कि अगर किसी औरत को हैज का दर्द, जो पहले से औरतों को पता चलता है कि उसे हैज आने वाला है, और उसको दर्द हुआ, एहसास हुआ, लेकिन उसने रोज़ा रखा है और उसको खून सूरज ग्रूब होने के बाद यानी इफ्तार के बाद उसे खून शुरू हुआ, तो क्या उसका उस दिन का रोज़ा शुमार होगा? जी हाँ, वो रोज़ा उसका शुमार किया जाएगा, इस वजह से कि उसे हैज नहीं आया जी, खून जो आता है वो खून नहीं आया, उसे एहसास हुआ किसी तरह से, जिसे कि मिसाल के तौर आपने नाम लिया कि उसे दर्द हुआ जी, और खून कब आया, वो ग़ुरूब आफ्ताब के बाद आया, तो उस दिन का उसका रोज़ा शुमार किया जाएगा। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।